पे हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम मुद्दों को जो इस वक्त बंगाल की राजनीति में सबसे प्रमुख मुद्दे हैं उन सब पर बात करें। वो कौन से आरोप हैं जो सत्ता में काबिज पार्टी यानी टीएमसी पर लगाए जा रहे हैं, वो कौन से आरोप हैं जो बीजेपी पर लग रहे हैं, लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़े हैं इस पूरे द्वंद्व युद्ध में। बंगाल में रैपिड ग्रोइंग इस्लामाइजेशन, माई पार्टी एंड माई पार्टीज फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेव्ड वेस्ट बंगाल फॉर इंडिया from the hands of Suhrawardi. And today, it is incumbent on all of us to save the Hindus of West Bengal again from a modern day Suhrawardi, which is Mamata Banerjee. क्या CA NRC मुद्दा होगा? 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, आप लोग 18 सीट ले चुके हैं, विधानसभा के हिसाब से 122 सीट। उसके कई महीने बाद, तीन चार महीने बाद, तीन जगह बाई इलेक्शन हुआ, कालियागंज, करीमपुर और खड़गपुर सदर, तीनों में से एक खड़गपुर सदर में था एमएलए, सिटिंग एमएलए था दिलीप घोष, आपका यहाँ का प्रेसिडेंट, तीनों में विन कर चुके हैं अर्पिता घोष की दल, और वो प्रचार में था सीए एनआरसी। तो आप कैसे कह रहे हैं कि सीए एनआरसी आपका इलेक्शन का मुद्दा होगा? बाय इलेक्शन और जनरल इलेक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। लोग बाय इलेक्शन में वोट देने के लिए मुद्दा अलग होता है और जनरल इलेक्शंस में वोट के देने में बहुत डिफरेंट होता है। प्लीज डू नॉट कंपेयर चौक एंड चीज। शत्रुप एग्री। शत्रुप पे से मुस्कुरा रहे हैं। शत्रुप एग्री। सी माय पॉइंट इज दैट इट्स नॉट ओनली अबाउट बाय इलेक्शन। आप अगर देखेंगे तो ये सीए लागू होने के बाद भारत के जिन जिन राज्यों में जनरल इलेक्शन भी हुआ है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो झारखंड हो, यहाँ तक कि बिहार में बीजेपी का नैया डूबते रह गया, बाकियों में बीजेपी का मतलब क्या हालत हुआ आप लोगों ने देखा है। तो सीए पास होने के बाद से देश की राजनीति बीजेपी के पक्ष में नहीं जा रहा है, कोई ये चाहे माने या ना माने, पर आंकड़े हमारे सामने हैं। देखिए मैं दो बातें कहना चाहूँगा यहाँ पर, आप अगर हमें मुझे मौका दीजिएगा तो। आई वॉज लिसनिंग टू अर्पिता दी वेरी केयरफुली विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। अर्पिता दी शी सेड, वो बोली कि ममता बनर्जी इज वन लीडर जो कि गलत काम को सपोर्ट नहीं करती। वो हमेशा कोई दल के कोई लोग भी अगर कोई ऐसा गलत काम करे, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कुछ क्रिमिनलाइजेशन हो, शी टेक्स अ स्टैंड। अर्पिता दी, मैं आपको बहुत हम्बली आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, आप मुझे एक नाम बताइए, आज जो लोग टीएमसी से निकल के बीजेपी में गए और जाने के बाद आज टीएमसी के स्टार्टिंग फ्रॉम ममता बनर्जी टू एवरी सिंगल लीडर ऑफ टीएमसी, दे आर कॉलिंग देम नेम्स, उनको गाली दे रहे हैं कि तुम तो चोरी किए थे, तुम तो डाका डाले थे, तुम तो करप्शन किए थे, उनमें से एक लीडर का ऐसा आप नाम बताइए जो खुद तृणमूल नहीं छोड़ा, जिसको ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस से निकाली थी। पता नहीं है। लेट मी प्लीज कंप्लीट, आई लिसन टू यू व्हेन यू वर स्पीकिंग। एक है, चाहे वो मुकुल राय हो, चाहे वो अर्जुन सिंह हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, वो खुद तृणमूल कांग्रेस का झंडा डस्टबिन में डाल के बीजेपी में चले गए, चाहे वो किसी भी कारण से क्यों ना हो। पर 10 साल में आप मुझे एक नहीं दिखा पाओगे एक ऐसा एग्जांपल जहां पे ममता बनर्जी टुक अ मॉरल हाई पॉइंट, नंबर वन। नंबर टू, तेजस्वी जी इज अ यंग एमपी, ही वाज स्पीकिंग अबाउट बंगाल। वैसे तेजस्वी जी, ये हिस्ट्री एक ऐसा फोटो है ना, उसमें बीजेपी आरएसएस के लोग जितना कम बात करें उतना अच्छा है। आप जो सवार का वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि ममता बनर्जी दूसरी सुहरावर्दी है, तो आई डोंट नो वेदर योर पार्टी कलीग्स ब्रीफ्ड यू और नॉट। सुहरावर्दी जी, ग्रेट कलकत्ता किलिंग जब हुआ था बंगाल में, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस कैबिनेट में मिनिस्टर थे, रहने दीजिए, मुस्लिम लीग कैबिनेट में। आई डिड नॉट इंटरप्ट यू। देखिए आज बीजेपी बंगाल में स्लोगन दे रहा है कि आरनॉय अन्याय, अन्याय नहीं चलेगा बीजेपी बंगाल में, उनका हर एक आरोप। मैं मुझे 10 सेकंड दीजिए, मेरा बात खत्म कर दूं, वापस आते हैं आपके पास, 10 सेकंड दीजिए, मेरा ये बात खत्म कर दूं। बंगाल में जो भी वो क्रिमिनलाइजेशन के बाद बोले, करप्शन के बाद बोले, अरे करप्शन का पोस्टर बॉय था मुकुल राय। शत्रुप, आपसे मेरा संक्षेप में जवाब दीजिएगा इसका। अगर हम रक्त रंजित राजनीति की बात करते हैं, क्रिमिनलाइजेशन की बात करते हैं, तो लेफ्ट ने क्या किया अपने कार्यकाल के दौरान? देखिए, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारत, मैंने आपका सवाल सुना, आप मेरा जवाब सुन लीजिए। भारत के हर एक पॉलिटिकल पार्टी, ये दिस इज अनफॉर्चुनेट बट ट्रू, कभी ना कभी कोई ना कोई गलत लोगों को पना दिया है, पर गलत लोगों ने मिलकर अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बना लिया है। ये अगर तृणमूल कांग्रेस नहीं होता तो हमको ये पता नहीं चलता कि ये भी कभी हो सकता है।